है, लेकिन इस बीच जरा लखीमपुर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मतदान की बड़ी भूमिका होने वाली है, इसलिए वे मतदान अवश्य करें और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, आज जब हम आपके बीच यहां पर आए हैं, याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कर्फ्यू लगता था, बाजारों में बमबाजी होती थी, व्यापारी पलायन करता था। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ की धरती पर आया हूं, आज मैं कह सकता उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब बाबा का कांवड़ यात्रा निकलती है। हर हर बम बम के नारे के साथ, हर हर बम बम के नारे के साथ अब कांवड़ यात्री निकलता है। तो भाइयों बहनों, पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में रम जाता है और यही नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागर्दी के लिए नहीं, अव्यवस्था के लिए नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, नौजवान के उत्थान के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले अपने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आपकी सेवा की है। भाइयों बहनों, किसी भी सरकार की कार्य पद्धति उस सरकार के निर्णयों से हो जाता है। याद करिए, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन्होंने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके लखीमपुर जनपद के खीरी जनपद के 1,45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 1,45,000 किसानों का। और आज लखीमपुर खीरी के 5 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां पर हर किसान का सम्मान होता है, किसान को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है। और यही नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का लाखों करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में सीधे करने का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली सरकार किस हद तक जनता का शोषण करती थी? भाइयों बहनों,
मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपके लखीमपुर खीरी में बिजली मिलती थी? क्या लोगों को बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना? आ रही है बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली। पहले बिजली की भी जाति हुआ करती थी, मत और मजहब हुआ करता था। आज तो भाइयों बहनों, हमने कहा सबका साथ और सबके विकास का, तो सबका साथ और सबका विकास बिजली में भी दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में अरविंद गिरी जी भी और रोमी सानी जी भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगे थे। डबल इंजन की सरकार भी आपकी सेवा में लगी थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेता भी कहीं थे क्या? इनका कहीं अता पता था? देखिए, डबल इंजन की सरकार में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? आपका मैं अभिनंदन करूंगा भाइयों बहनों। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन के कारण तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं लगा। लेकिन जो लोग वैक्सीन के बारे में गुमराह करते थे कि बीजेपी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब उनको जवाब देने की आवश्यकता है। वोट की चोट से उनको करारा जवाब दीजिए कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बचती है तो वोट भी वही जाएगा, ये बताएंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, डबल इंजन की सरकार है तो महीने में दो बार राशन भी मिलना होगा ना? मिल रहा है भाइयों बहनों। ये राशन, ये दवा का पैसा, अब तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है ना? आज हम लोग लखीमपुर खीरी में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। हमारे सभी विधायकों ने जब प्रयास किया तब मेडिकल कॉलेज आ गया यहाँ पे। यहाँ डबल इंजन की सरकार का यही लाभ होता है। मेडिकल कॉलेज का मतलब उपचार के लिए, जब मेडिकल कॉलेज काम करेगा तो लखीमपुर खीरी वासियों को भाइयों बहनों लखनऊ, दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी में उपचार की सुविधा होगी। और 2023 से लखीमपुर के नौजवानों को लखीमपुर में ही एडमिशन की सुविधा भी मेडिकल कॉलेज में प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज का पैसा, गरीबों के लिए राशन का पैसा या फिर दवा का पैसा या फिर आज जो धामों का निर्माण हो रहा है, ये जो पैसा है, ये पैसा 2017 के पहले भी था। लेकिन 2017 के पहले भाइयों बहनों, यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था और इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा हड़पता था। आज हम लोगों ने जब इत्र वाले मित्र के लिए, भाइयों बहनों, इत्र वाले मित्र के लिए हम, जब हम लोगों ने आपके सड़क के निर्माण के लिए जो बुलडोजर हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने उसे इत्र वाले मित्र पर भी पहुंचाने का काम किया है। आज आपको लगना होगा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। मुझे एक बात बताइए, ये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कोई संदेह है भाइयों बहनों? हमने जो कहा वो करके दिखाया ना? हमने तो कोई नानुपुर नहीं किया। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम बिजली हिंदू के यहां देंगे, मुसलमान के नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना?
सबका साथ सबका।